हाय गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं ड्रीम इलेवन में बास्केटबॉल की टीम देने वाला हूँ। जो रशियन बास्केटबॉल लीग का मैच है, जो है आफ्टर डोर वर्सेस टसमोस की मीनस के बीच जो मैच है, मैं उसी का ही टीम देने वाला हूँ गाइस। तो मेरे साथ ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं जो भी अपडेट दूंगा, जो भी सजेस्टेड प्लेयर के बारे में बोलूँगा, आप उसके हिसाब से आप खुद का भी टीम बना के जा सकते हो। After all, will be eager to change the dynamics of the tournament as their last victory came on 31st January against Astana, where they chronicled 92-83 shutdown. तो आफ्टर डोर उतना अच्छा खास नहीं खेल पाए, लेकिन टूर्नामेंट में उसका लास्ट जीत उनको मिला था 31st January को, जो 92-83 में मैच जीता था आस्टाना के साथ। तो पोस्ट द ड्रिपलिंग आउटलिंग द टीम हैज़ ब्लोन कोल्ड एंड हास स्लैम टू यूनिक्स एंड निजनी ग्रोवेंट इन पोर फैशन। तो असमोस की मिनक्स ऑन द कॉन्ट्रेरी इज इन द मिडेस्ट एंड एंडलेस टैलिस्मैन दैट शो देम रजिस्टरिंग देयर लास्ट विक्ट्री ऑन 9 January अगेंस्ट टेक्निकली अंडर कुकड निजनी नॉवगोरोड। दिस विल बी अ थ्रिलिंग क्लैश टू अ लो लाइंग टीम्स विथ एन अपसेट ऑफ होराइजन पॉसिबल एट एनी पॉइंट इन इन टाइम। तो दोनों टीम ही एकदम ख़राब पोजीशन पे खेल रहा है। एक जीता है लास्ट 31st January को और एक जीता है 9 January, जो जीता है एकदम लो टीम के साथ, निजनी नोवगोरोड के साथ जीता था तनस्मोकित मिनस्क। तो दोनों टीम मैच ही आज काफ़ी शानदार होने जा रहा है। कोई भी आज मैच जीत सकता है या मैच ड्रॉ भी हो सकता है। तो आफ्टर सराफोटफ के प्लेइंग जो फाइव हो गए, नेटेमिशन, स्टार्क्स, एंटोन काविडोविशेक, सैकिच, रिस्टिच। तो फैंटेसी पिक्स काफ़ी डिमेंडेबल खिलाड़ी है मैशोन, आपको अपने टीम में जरूर रखना पड़ेगा। मार्केल स्टार्क्स और काविडोविशेक, ये तीन खिलाड़ी इतना महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, आपको टीम को जिता भी सकता है। तमोस की विनक्स के तरफ से जो प्लेइंग फाइव पे है, लोहोड़ी, क्लाइवर्न, तारानेस्की, सालास और कावर्स, ये खिलाड़ी है, ये पांच खिलाड़ी है जो काफ़ी शानदार है। आज का मैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें से तीन खिलाड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे लोएडी, क्लाइवर्न और तारानेस्की। ये तीन खिलाड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, आपको टीम में पिक करना ही होगा। तो गाइस, अब मैं टीम क्रिएट करूंगा अवेटर वर्सेस टसमोस की मिनस के तरफ से जो मैच है। फर्स्ट पॉइंट गार्ड पे मैं क्लाइवर्न को मेरे टीम में पिक करूंगा। आपके पास चॉइस है, आप यहाँ पर से मैशन को अपने टीम में पिक कर सकते हो। मैं लास्ट चॉइस पे मैं बता दे दूंगा। यहाँ पर से स्टार्क्स को अपने टीम में पिक कर सकते हो। मैं यहाँ पर से शूटिंग गार्ड पे मैं यहाँ पर से पिक करूँगा क्लेवेल को। आप यहाँ पर से काफ़ी शानदार खिलाड़ी हो सकता है लोहड़ी। फॉरवर्ड पे मैं यहाँ पर से डायलो को मेरे टीम में पिक करूँगा। उसके बाद काविडोविशेक को मेरे टीम में पिक करूँगा और बेलेनाकू को मेरे टीम में पिक करूँगा। यहाँ पर से टाटेस्की को भी अपने टीम में पिक कर सकते हो। किसी भी चॉइस पे आप जा सकते हो, अपने खुद का चॉइस पे जा सकते हो। मैं यहाँ पर से कैमरिस को मेरे टीम में पिक करूँगा। पावर फॉरवर्ड पे मैं यहाँ पर से पिक करूँगा डूड को। उसके बाद मैं यहाँ पर से पिक करूँगा सैकिच को। यहाँ पर से आपके पास अदर चॉइस हो सकता है, जैसे यहाँ पर से पुकी को अपने टीम में पिक कर सकते हो। सेंटर पे मैं यहाँ पर से पिक करूँगा रिस्टिच को। आपके पास अदर चॉइस हो सकता है मिनाचेंको, जो बेंच से स्टार्ट करेगा, या वार्डमेंको को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो रहेगा अभी तक जो फाइनल टीम है मेरा, ये रहेगा। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँगा जो लाइनअप आएगा 5 मिनट के अंदर। जैसे यहाँ पर से को चेंज हो सकता है, लोहड़ी को अपने टीम में रख सकते हो, यहाँ पर से आप मैशोन को रख सकते हो। कोई भी चॉइस मैं अपडेट कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। कैप्टन वाइस कैप्टन सकीच है, डोडो है, क्लाइवर्न है, काफ़ी बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस है। जैसे यहाँ पर से मैं कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस मैं यहाँ पर से पिक करूँगा
जैसे यापर से अदर चॉइस काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकता है, जैसे यापर से क्लेवेल को रख सकते हो, सैकिच को रख सकते हो, डोडो को रख सकते हो, किसी को भी चॉइस आप दे सकते हो। ये तीन चॉइस है, या पर से ग्रैनली या उसका फिर चॉइस है क्लाइव वन। ये चार चॉइस है जिनमें से सेफ चॉइस रहेगा कैप्टन का क्लाइव वन और क्लेवेल का वाइस कैप्टन एसपी और पीपी। ये चॉइस काफ़ी शानदार रह सकता है हेड टू हेड स्मॉल लीग में। तो ये तो रहेगा मेरा यूट्यूब चैनल का फाइनल टीम। मैं फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।